महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनेगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा, दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है, उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। राव साहब, महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है, इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनेगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा, दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है, उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। राव साहब, बाबा